हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्रेटेको। तो अपनी लास्ट क्लास में हमने कॉलम्स को देखा था और सेक्शंस को देखा था, तो आज हम उनकी सेटिंग्स को देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स तो उनमें वैसे बहुत सी होती हैं, लेकिन हम बस रफ से देखेंगे। और क्योंकि बाकी जो सेटिंग्स होंगी वो आप ऐसा ऐसा जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, इससे आपको आइडिया होता जाएगा। तो अभी के लिए जितनी हमारी काम की होंगी हम सिर्फ उतनी देखेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। तो मैं एलिमेंटर पैनल ओपन करता हूँ। तो ये हमारा एलिमेंटर पैनल ओपन हो गया है। ये हमने चार कॉलम्स वाला एक सेक्शन लिया था। आपको पता चल गया होगा कि हमने कोई विजेट्स को एक दूसरे के सामने रखना हो तो कैसे रखते हैं। तो चलें अभी हम इनकी सेटिंग्स को देखते हैं। देखिए, जब हम किसी सेक्शन की सेटिंग्स में जाते हैं तो हम इधर क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने इधर क्लिक किया और ये हमारे सामने ओपन हो गया है। इधर लिखा आ रहा है एडिट सेक्शन, और ये हम अभी इसके जो फर्स्ट टैब है इस तरह लेआउट में, इसका स्टाइल का टैब है और ये एडवांस का। तो ये हमारा जो फर्स्ट है इसमें जो हमारे काम की सेटिंग है वो ये है हाइट। हाइट का मतलब है कि आपने इसको कितनी हाइट देनी है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, फिट टू स्क्रीन और मेन हाइट। इसका क्या मतलब है? फिट टू स्क्रीन जब हम करेंगे तो जितनी भी स्क्रीन का साइज होगा उतनी साइज का हमारा ये सेक्शन बन जाएगा। तो ये देखें, अब ये बड़ा हो गया, और जितना हमारा स्क्रीन का साइज होगा उतना ही बड़ा ये सेक्शन होगा। ये देखें, इधर से स्टार्ट हो रहा है जहां पे मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है, और इधर एंड हो रहा है जिधर मेरी स्क्रीन एंड हो रही है। और ये इस तरह है कि अगर किसी की स्क्रीन बड़ी होगी तो ये उतना बड़ा हो जाएगा, और किसी की स्क्रीन अगर छोटी होगी तो ये उतना छोटा हो जाएगा। तो ये स्क्रीन के हिसाब से चलता है। इसके नीचे है मिन हाइट, कि आपने कम से कम कितनी हाइट रखनी है। तो इधर से हम अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। इसको मैं ऐसे ड्रैग करके इसकी हाइट को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है ये हमें बता रही है कि ये सेक्शन है, और इसको जब हम ट्रैक करते हैं तो ये छोटी या बड़ी हो रही है। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ रही है और कम हो रही है। इसके नीचे है कॉलम पोजीशन, कि ये जो कॉलम्स हैं ये देखें अभी इसके सेंटर में आ रहे हैं, बिल्कुल मिडल में। ऊपर भी इक्वल स्पेस है, नीचे भी इक्वल स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये कॉलम पोजीशन लिखा हुआ है कि जो इसके अंदर कॉलम्स हों वो किस जगह पे हों। ये भी है मिडल पे। अगर हम इसको मिडल की जगह बॉटम कर दें तो देखें ये सारे बॉटम पे चले गए हैं। इसी तरह अगर मैं इसको टॉप पे कर दूं तो सारे टॉप पे चले गए हैं, और स्ट्रेच करने पे ये पूरी स्पेस कवर कर लेंगे। कैसे? जैसे कि अभी देखें ये जो कॉलम है ये इतना है इधर तक, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेच कर दूंगा अभी देखें कॉलम पूरी विड्थ ले रहा है नीचे तक। आपको जो काली सी लाइन नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये इंडिकेट कर रही है कि ये कॉलम है। अगर मैं इसको स्ट्रेच की जगह टॉप करता हूं तो देखें ये सिर्फ इधर तक लाइन आ रही है। लेकिन स्ट्रेच करने से ये पूरी स्पेस अपनी कवर कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं मिडल पे रखता हूँ, और बाकी जो सेटिंग्स हैं ये अभी इनको छोड़ दें। आपको टाइम के साथ साथ अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसको आप एक बार देख लें। ये देखें ये वही स्ट्रक्चर है जो हमारे सेक्शन का है। क्या मतलब? ये देखें इसमें 1 2 3 4 चार कॉलम्स हैं। ये देखें हमारे पास वही है 1 2 3 4। अगर मैं इधर से एक बढ़ा लेता हूँ, एड न्यू कॉलम, ये देखिए अब हमारे पास 5 हो गई हैं। अभी मैं जाता हूँ इधर स्ट्रक्चर में, अभी देखें अब इधर भी 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। मतलब ये एक स्ट्रक्चर शो करता है कि आपके पास ये वाला कॉलम है। इधर से क्लिक करके हम इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने से क्या मतलब? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, देखिए रीसेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्यों? क्योंकि ये रीसेट इस तरह काम नहीं करता। आपको मैं बताता हूँ ये रीसेट कैसे काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ये थोड़ा बड़ा हो जाए ऐसे, ये थोड़ा छोटा हो जाए और ये इतना हो जाए, ऐसे आप अपने मर्जी से ना कि जो विड्थ है वो सेट कर सकती हैं। ठीक है, और अब अगर आप इसको रीसेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये देखें जैसे पहले था ये वैसे हो गया, पहले तो हमने इसको ऐसे कर लिया। ये देखें अभी जब मैं रीसेट करूंगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ गया, मतलब कि सबको इक्वल विड्थ मिल रही है। इक्वल विड्थ का क्या मतलब है कि इसके पास भी उतनी ही विड्थ है जितनी इसके पास है और इसके पास उतनी ही विड्थ है जितनी इसके पास है। विड्थ का क्या मतलब, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये इक्वल विड्थ है, हाइट कम है लेकिन जो विड्थ है उतनी ही है, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, और ये इक्वल है क्योंकि हमने इसको रीसेट कर दिया है। इसको हम अपनी मर्जी से ऐसे रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। अभी देखें इसकी विड्थ कम होगी इधर से इधर तक है और ये बड़ा हो गया है। तो ये था रीसेट स्ट्रक्चर। अभी हम जाते हैं इसके स्टाइल में। स्टाइल में देखिए वही ऑप्शन है नॉर्मल होवर, होवर कर मतलब वही आपके सामने है कि जब इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो क्या होगा। देखिए अभी हम ना बैकग्राउंड में हैं कि इसका बैकग्राउंड आपने क्या रखना है। अब अगर आप इधर क्लिक करें तो आप इधर इसका बैकग्राउंड कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासिक बैकग्राउंड मैंने ये सिलेक्ट किया, और इधर से हम इसका कोई कलर सेट कर देंगे जो इसके बैकग्राउंड के लिए सेट होगा। ये देखें इधर से जो भी कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में लग रहा है। ठीक है, ये देखें मैंने ब्लैक सिलेक्ट किया तो ये कलर इसके बैकग्राउंड में सेट हो गया। और इसी तरह अगर आप कलर की जगह कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आप वो भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं इधर क्लिक करूं और मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट मीडिया करता हूँ, ये देखें वो पिक्चर इसके बैकग्राउंड में लग गई है। वो पिक्चर बैकग्राउंड में है, पहले हम पिक्चर लगाते थे साइड पे या फिर कोई किसी जगह पे हम पिक्चर का विजेट यूज कर लेते थे लेकिन बैकग्राउंड में नहीं लगा सकते थे। बैकग्राउंड में लगाने के लिए हमें इस तरह यूज करनी पड़ती है उसको। ये देखें अभी ये पिक्चर इसके बैकग्राउंड में लगी है। अभी ये जो ब्लैक कलर था ये इसके पीछे छुप गया, अभी नजर नहीं आ रहा जो हमने सेट किया था। अगर ये हम डिलीट करेंगे तब हमारा ब्लैक कलर जो उसके पीछे था वो नजर आ रहा है। तो मैं पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब जब हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की तो नीचे कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं कि पोजीशन आपने क्या रखनी है। ये पिक्चर की पोजीशन है कि आपने पिक्चर को किस पोजीशन में रखना है, कि आपने सेंटर सेंटर करना है कि बिल्कुल सेंटर में आएगी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, इसी तरह सेंटर लेफ्ट। तो ये आपको जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से रखना चाहें तो कस्टम पे ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल सेंटर सेंटर करता हूँ। और नीचे अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होती है आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हम रिपीट देख लेते हैं। रिपीट का मतलब ये होता है कि अगर पिक्चर का साइज कम है तो वर्डप्रेस ये करता है कि उस पिक्चर को ना रिपीट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्चर का साइज बिल्कुल छोटा है और हमारे सेक्शन का साइज बड़ा है तो वो वही पिक्चर को बार 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 शो करेगा। उसको खत्म करने के लिए हम ये रिपीट को नो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे है साइज कि आपने जो इसका साइज है वो कितना रखना है पिक्चर का जो इसका बैकग्राउंड पे लगी है। अगर हम इसको ऑटो कर दें तो फिलहाल ये ऑटो ही है, कवर कर दें तो ये देखें जितनी भी पिक्चर थी इतने अपने आपको कवर कर लिया पूरे सेक्शन में। इस तरह अगर कंटेन कर दें तो ये पिक्चर पूरी आ रही है, इसकी बाकी जगह जो बच रही है वो ब्लैंक हो गई है। इस तरह कस्टम में अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कवर करता हूँ, कवर कर लिया। अब ये आपको बताता हूँ ये अटैचमेंट क्या होती है। देखिए अटैचमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें ये पिक्चर स्क्रॉल हो रही है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, अभी ये अटैचमेंट जो है ये जो इसके बैकग्राउंड पे है पिक्चर ये फिक्स हो गई है। क्या मतलब, अभी देखें जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा पिक्चर देखें वहीं पे खड़ी है बैकग्राउंड की, और जो हमारी बाकी जो पेज है वो स्क्रॉल कर रहा है।
लेकिन पिक्चर अपनी जगह पे खड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूं, ये पिक्चर भी साथ स्क्रॉल होती है, देखें, ठीक है। तो ये बस यही था, इसको मैं फिलहाल फिक्स ही कर देता हूं। नीचे क्या है? नीचे है बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले में क्या होता है कि ये जो हमने बैकग्राउंड लगाया है, इसके ऊपर कोई और ओवरले लगाना हो, मतलब कोई और कलर इसके ऊपर लगाना है, कोई कुछ भी लगाना है, तो कोई पिक्चर लगानी है, तो हम लगा सकते हैं। कोई हल्का सा कलर हम लगाते होते हैं ओवरले के तौर पे नॉर्मली, जैसे कि इसके कलर जो हमने लगाना है इसके ऊपर, वो इधर से लगा सकते हैं। अभी मैंने सेलेक्ट किया इसको क्लासिक, जैसे कि मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और ब्लैक कलर का हल्का सा ओवरले आ गया उसके ऊपर। अगर मैं ब्लैक की जगह रेड सेलेक्ट करूं, तो ये देखें उसके ऊपर हल्का सा रेड कलर का ओवरले आ गया, ठीक है। तो ये था बैकग्राउंड ओवरले। इसी तरह हम किसी पिक्चर का ओवरले लगा सकते हैं अगर वो लगाना चाहें इधर से, और उसके नीचे ओपेसिटी, ये जो ओवरले हमने लगाया है इसकी ओपेसिटी आपने कितनी रखनी है। ओपेसिटी का आपको पता है कि कितनी विजिबल रखनी है हमने, ये अभी 0.5 है। अगर मैं इसको 0.72 कर दूं, देखें अभी ये थोड़ा और इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। इसी तरह अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये इसकी विजिबिलिटी कम हो गई है, और अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूं तो इसकी पूरी विजिबिलिटी आ गई है, और जो हमारा बैकग्राउंड था वो इसके पीछे छुप गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यही रखता हूँ, 0.661। और इसके नीचे है CSS फिल्टर्स, ये वही हैं ब्राइटनेस वाले, ब्राइटनेस, ब्लर, कॉन्ट्रास्ट, और इनको मैं यूज नहीं करता। नीचे ब्लेंड मोड, ये भी वही है पिक्चर एडिटिंग वाला, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे, मैं फिलहाल इसको नॉर्मल पे रखता हूँ। अभी बॉर्डर, बॉर्डर ये वही है जो आपको पहले भी बताया था कि इधर से हम बॉर्डर की टाइप सेलेक्ट करनी है। ये देखिए बॉर्डर लग गया, पहले बॉर्डर हमने लगाया था अपनी पिक्चर को, और अभी हम बॉर्डर लगा रहे हैं अपने सेक्शन को। बॉर्डर वही है, सिर्फ विजेट चेंज है, पहले विजेट था हमारा वो पिक्चर का, अभी है सेक्शन, ठीक है। देखिए इधर से सॉलिड में सेलेक्ट किया, इधर से उसकी विड्थ हम चार्ट कर सकते हैं कि मैं 5 विड्थ, 5 पिक्सल की। नीचे से कलर कौन सा रखना है आपने, तो ये देखें इधर से कोई मर्जी कलर आप सिलेक्ट कर लें। इधर से इसकी रेडियस, रेडियस का मतलब आपको पता है, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना ही ये राउंड होंगे। तो मैं अगर इसको 33 करूं, ये देखें ये राउंड हो गए हैं, ठीक है। इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं जितने ज्यादा हम रेडियस को बढ़ाएं। तो फिलहाल मैं इसको खत्म करता हूँ, बॉर्डर ही खत्म कर देता हूं मैं। नीचे है बॉक्स शेडो, ये वही है जो आपको पहले भी पता है कि जैसे हमने पिक्चर के नीचे शेडो लगाया था हल्का सा ब्लैक कलर का, इसी तरह इसके नीचे हम शेडो लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। तो अभी देखें चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। होवर भी वही चीज है, बॉर्डर भी वही चीज है, ठीक है। नीचे एक न्यू चीज आ रही है, शेप डिवाइडर, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, टॉप और बॉटम। लेकिन ये शेप डिवाइडर होता क्या है? इसका मतलब है कि आपने इसके ऊपर या नीचे कोई शेप्स बनानी है, मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है या फिर जहां से ये शुरू हो रहा है वहां पे कोई शेप्स बनानी है। तो इधर से देखें काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आपको पसंद हो आप सिलेक्ट करें। तो इधर से अगर मैं कोई भी सिलेक्ट करूं, जैसे अगर मैं इधर से क्लाउड सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें ये क्लाउड से बन गए हैं, और ये किस तरफ बने हैं, ये ऊपर की तरफ बने हैं क्योंकि हमारा ये टॉप सिलेक्ट था। तो इधर से हम इसका कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट कितनी हम हाइट रखना चाहते हैं इधर से, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, ये देखें फ्लिप हो गई है। इसी तरह अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो ये बिल्कुल उसके उलट चला गया है।
और अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूं तो ये फ्रंट पे आ जाते हैं, लेकिन ये पहले से ही फ्रंट पे हैं इसलिए हमें कोई फर्क शो नहीं हो रहा। इधर से हम इसका कलर सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको पता है कलर कैसे सिलेक्ट करना है आपने। और नीचे बॉटम है कि अगर हमने इसके बॉटम पे भी कुछ बनाना हो तो इधर से भी वही हम सिलेक्ट करते हैं कुछ इसकी टाइप। तो इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप्स, ठीक है। देखो ऊपर से मैंने क्लाउड्स था, नीचे ड्रॉप्स, इधर भी वही सेटिंग है जो ऊपर थी, कोई फर्क नहीं है। नीचे एक आखिरी ऑप्शन है टाइपोग्राफी का, तो टाइपोग्राफी हम इधर से सेट करते ही नहीं है क्योंकि इधर से हम सेट करने की जरूरत नहीं है। टाइपोग्राफी हम अपने जो हेडिंग के विजेट्स हैं या कोई हमारे टेक्स्ट एडिटर के विजेट्स हैं हम वहां से सेट करते हैं, हम इधर से सेट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग्स थी इस सेक्शन की वो कंप्लीट हो गई हैं। और इससे नेक्स्ट हम ये जो हमारे कॉलम्स हैं इसकी सेटिंग्स तो देखेंगे लेकिन अगली क्लास में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।